आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत गुप्त रहस्य के विषय में, जो कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों के साथ करते हैं। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य भक्तों का एक प्रश्न आ रहा था, तो आज के इस क्रम में हमने सभी अनन्य भक्तों के प्रश्न को शामिल किया है। प्रश्न है कि महाराज जी जब स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो महाराज जी के स्वप्न में आने का आशय भला क्या है, और कैसे हम ये मान सकते हैं कि महाराज जी के साथ हमारा जुड़ाव हो गया है या महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है। बहुत ही दिव्य ये कथांक होने वाला है, तो आइए क्रमबद्ध तरीके से इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी का स्वप्न में आना, आपको बता दें कि बहुत ही दिव्य स्वप्न है। महाराज जी यदि किसी अनन्य भक्त को स्वप्न में दिखाई दे जाएं, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे अनन्य भक्त को बहुत ही भाग्यवान मानता हूं कि महाराज जी ऐसे अनन्य भक्त के स्वप्न में दर्शन देकर उस भक्त को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। महाराज जी आखिर स्वप्न में क्यों आते हैं और महाराज जी का ये स्वप्न क्या आशय लिए बैठा है? महाराज जी स्वप्न में तब अनन्य भक्त के आते हैं जब कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी को अपने अनंत की पुकार से स्पर्श कर लेता है, और महाराज जी अपने अनन्य भक्त को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए स्वप्न में आते हैं कि आपको मेरा जो सानिध्य है वो प्राप्त हो गया है। तो ये सबसे बड़ा संकेत बन जाता है और आपके प्रश्न का उत्तर भी बन जाता है कि कैसे हम ये मान लें कि महाराज जी के साथ हम जुड़ गए हैं। तो महाराज जी यदि आपको स्वयं दर्शन दे रहे हैं और अपने दर्शनों से आपको कृतार्थ कर रहे हैं, तो पहला आशय तो यह बन जाता है कि आपकी पुकार महाराज जी ने सुन ली है। इसके बाद महाराज जी स्वप्न में जो दर्शन देते हैं, उससे कैसे हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, महाराज जी जब स्वप्न में आते हैं, तो ये पूर्णतः महाराज जी का एक प्रभाव है जो आपको ये बताता है कि आपके जीवन में आज के बाद से, इस स्वप्न के बाद से मेरा मार्गदर्शन आपके जीवन में जुड़ जाएगा और सन्मार्ग की ओर महाराज जी आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग जीवन की राह पर चल तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं है कि जीवन की सच्ची राह क्या है, किस मार्ग पर चलकर वो सफल होंगे और कौन सा मार्ग उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो महाराज जी का जब आपको इस प्रकार से दर्शन देना होता है, तो महाराज जी इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करते हैं कि सन्मार्ग की ओर पर आपको ले जाने का कार्य अब मैं करूंगा। महाराज जी की उंगली थामकर अब आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। तो बहुत 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 ज्यादा भाग्यवर्धक ये स्वप्न में आपके लिए कहूंगा। अब बात आती है कि महाराज जी कैसे आपके कष्ट हर लेते हैं। देखिए, बहुत से लोग महाराज जी के दर्शन करने के बाद भी, महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद भी बहुत ही शंका मान रहते हैं। उनको इस प्रकार की शंकाएं हमेशा घेरे रहती हैं कि मेरे जीवन में अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। देखिए, जब आपके साथ कोई सद्गुरु जुड़ जाते हैं, जब आपके साथ आपके गुरुजन आपको मार्गदर्शित करने का कार्य करने लगते हैं, तो उस अनन्य भक्त का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुओं की बात पर भरोसा करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप विश्वास करना सीख जाते हैं, तो आप यह मान के चलिएगा कि आप अपने जीवन के सन्मार्ग की ओर बढ़ चुके हैं। जैसे एक माता अपने अबोध शिशु को भोजन स्वयं चक कर कि वह भोजन अपने शिशु के लिए कष्टप्रद ना हो, तो इसलिए पहले उस भोजन का चुनाव करती है, फिर उस भोजन को पहले स्वयं ग्रहण करती है कि ये ज्यादा गर्म तो नहीं होगा, ये दुखदाई तो नहीं हो जाएगा मेरे शिशु के लिए। उसी प्रकार से गुरु भी प्रत्येक शिक्षाओं को अपने अंतर मन से स्पर्श करके और अपने सच्चे मार्गदर्शन से अपने अनन्य भक्त को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, वो शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो कैसे एक अनन्य भक्त अपने गुरु पर शंका कर सकता है, शक कर सकता है कि क्या ये शिक्षा मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी? तो ऐसा भक्त भी किसी काम का नहीं जो अपने गुरु की बात पर भी शंका करता हो। तो इसीलिए कई बार अपने जीवन में आपको अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए, उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा फलीभूत करने वाले प्रभाव प्राप्त होते हैं। और महाराज जी एक ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं कि एक बार यदि महाराज जी का आपने हाथ थाम लिया, तो आपकी
सफलता निश्चित हो जाती है और इस कार्य को महाराज जी बड़ी ही कुशलता से सुनिश्चित कर देते हैं। तो इसीलिए महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे हर परेशानी बहुत दूर से आपको बड़ी तो लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप सन्मार्ग से उस परेशानी तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे वो परेशानी जो आपको बहुत बड़ी दिख रही थी वो बहुत तुच्छ सी आपको लगने लगेगी। तो इसलिए परेशानियों से घबराना आपको नहीं चाहिए। और देखिए, जीवन में परेशानी भला किसके जीवन में नहीं आती है। अगर आप प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो संपूर्ण श्री रामायण जी में इस बात की ओर इंगित किया गया है कि प्रभु श्री राम जी के जीवन से ज्यादा कष्टप्रद किसी अन्यत्र व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु श्री राम जी से सीखने वाली बात क्या है कि इतने कष्ट में रहने के बावजूद भी प्रभु श्री राम जी ने कभी धैर्य नहीं खोया, अधैर्य नहीं किया, और वही मंद मंद मुस्कान से उन्होंने संपूर्ण रामायण से इस संपूर्ण जगत के लिए एक उदाहरण स्थापित किया कि वाकई में मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में है, अगर आप उनका भी अनुसरण करते हैं तो आप पाते हैं कि कष्ट तो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी बन जाता है जो ये समझता है कि कष्ट भी जीवन में हमेशा के लिए नहीं आया है। ये जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। जो समय आज आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। तो इसीलिए व्यक्ति को यही चाहिए कि धैर्यवान बनकर हर समय में एक संभाव की स्थिति को अपनाएं और अपने जीवन को बहुत ज्यादा अद्भुत स्थिति को प्राप्त कराएं। यही शिक्षाएं महाराज जी की शिक्षाओं से भी मेल खाती हैं। महाराज जी यही सब कुछ हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन हमेशा सहजता और सरलता में ही है और हर व्यक्ति को हर समय का सम्मान करना चाहिए, और यही समय एक दिन आपको बड़ा और छोटा भी बनाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी क्रमांक के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।